रियलमी फिर से एक नया फोन जो है लॉन्च करने वाला है, जो कि होने वाला है रियलमी XT। तो ऐसे में इसके बारे में ऑलरेडी जो है ऑफिशियली डेट आ चुका है, कंफर्म हो चुका है, साथ ही साथ स्पेसिफिकेशन क्या देने वाला है, प्राइस क्या रखने वाला है, सब कुछ जो है आ चुका है। तो चलिए इस वीडियो को देखते रहिएगा, शायद आपको वीडियो देखकर पसंद आएगा। मैं हूं विपुल और आप लोग देख रहे हैं पॉपुलर टच यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रियलमी XT के बारे में। तो ऐसे में मुझे लगता था भाई रियलमी XT जो है रियलमी X का सक्सेसर हो सकता है। तो ऐसे में अभी जो देख के लग रहा है रियलमी X का सक्सेसर नहीं है, ये एक नया सीरीज है जिस सीरीज में आपको मिड रेंज फोन या बजट फोन जो है देखने के लिए मिलेगा। अभी बात करते हैं इस फोन के बारे में। तो ऐसे में आपको क्या क्या मिलने जा रहा है और भाई क्या क्या मिलेगा इस के बारे में आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा। अभी बात करते हैं एक चीज़ और जो कि होने वाला है बहुत ही खास। जल्दी से जल्दी कर लो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो, क्योंकि आपको मिलता है इसमें एडवांस जो है जानकारियाँ। तो ऐसे में अगर आपको चाहिए एडवांस जानकारी जो कि वीडियो से पहले ही आ जाता है, तो जल्दी से जल्दी मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो कर लेना, शायद आपको बहुत ही अच्छा खासा जानकारी जो है उसमें मिल जाएगा। अभी बात करते हैं रियलमी XT के बारे में। ऐसे में इसके अंदर क्या क्या मिलने जा रहा है, प्राइस क्या क्या रखने वाला है और लॉन्च जो है कब होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं रियलमी XT में आपको मिलेगा बॉडी के बारे में। तो ऐसे में बॉडी जो होने वाला है पॉलीकार्बोनेट का बॉडी मिलेगा, इसमें ग्लास बॉडी होना चाहिए लेकिन पॉलीकार्बोनेट का जो है बॉडी आपको मिलने जा रहा है। बात करूँ डिस्प्ले के मामले में, 6.5 इंचेस का आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर बहुत सारा दोस्त ऐसा बता रहा है जो कि 6.4 इंचेस का जो है आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। लेकिन मुझे जितना जानकारी है जिस हिसाब से मैंने सर्च की पता किया उस हिसाब से मुझे लग रहा है 6.5 इंचेस का जो है डिस्प्ले आपको मिलने जा रहा है। बात करूं इसकी प्रोसेसर के बारे में, तो ऐसे में प्रोसेसर बताया जा रहा है इसमें आपको क्वालकॉम का प्रोसेसर मिलेगा जो कि 712 प्रोसेसर है, बहुत ही अच्छा खासा प्रोसेसर है। लेकिन भाई मुझे लगता था थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए था, 730 तक कर लेता तो तब तक मजा आता, लेकिन फिर भी भाई 712 अच्छा ही प्रोसेसर है। बात करूँ इसकी एंड्रॉयड की, तो ऐसे में एंड्रॉयड इसमें जो है 9.0 पाई के साथ मिलेगा। एड्रिनो की अगर बात करूँ GPU की, तो ऐसे में एड्रिनो का 616 जो है GPU मिलने जा रहा है। बात करूँ बैटरी के बारे में, तो ऐसे में बुक चार्ज 3.0 के साथ आ रहा है, 4500 एम्पेयर की आपको बैटरी मिलेगा। तो ऐसे में भाई 4500 एम्पेयर की बैटरी अच्छा ही है, लेकिन बुक चार्ज 3.0 के साथ आ रहा है तब तो मजा आएगा। बात करूँ कलर की, तो ऐसे में कलर वाइज 6 के साथ आ रहा है, बहुत ही अच्छा खासा धांसू फोन हो सकता है। बात करूँ कैमरे के बारे में, तो ऐसे में बोला जा रहा है भाई 60 इसमें 4 कैमरा इसमें मिलेगा, क्वाइट कैमरा, साथ ही साथ 60 मेगापिक्सल का जो है मेन कैमरा होने वाला है, मतलब 60 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल 4 कैमरास आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। 4 कैमरास अभी जो है जो भी मोबाइल आ रहा है मुझे देख के ऐसा लग रहा है भाई 4 कैमरास हमेशा देखने के लिए मिल रहा है। जो भी मोबाइल आ रहा है जो भी लॉन्च कर रहा है तो ऐसे में 4 कैमरा तो आ रहा है। उसके साथ बात करूँ फ्रंट कैमरे की, तो ऐसे में 16 मेगापिक्सल का जो है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आएगा, जो कि पॉपअप शायद हो सकता था अगर X का सक्सेसर होता तो अभी X का सक्सेसर तो नहीं है, इसलिए भाई इसमें पॉपअप कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसमें वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आ रहा है 16 मेगापिक्सल का कैमरा। बात करूँ इसके वेरिएंट की, तो ऐसे में 4 वेरिएंट में होना चाहिए लेकिन 3 वेरिएंट में आ रहा है, जो कि 4GB, 32GB, 6GB, 32GB, 6GB, 64GB। तो भाई कौन सा आपको लेना है वो तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर रेट की बात करूँ तो इसका रेट जो होने वाला है 12,000 से 13,000 या 14,000 के बीच होगा। मतलब हो सकता है 12,999 या 13,999 या हो सकता है 14,999, मतलब 15,000 12,000 से लेके 14,000 के बीच या 15,000 के बीच में जो है इस मोबाइल को ले सकते हो, ऐसा कंफर्म हो चुका है। लेकिन अभी तक जो है जिस हिसाब से मुझे सर्च किया, जिस हिसाब से मुझे देख के लगा था उस हिसाब से भाई जितना जानकारी मिला वो मैंने बता दी भाई, इस तरह से प्राइस होगा ये गारंटेड है। तो वीडियोस आपको कैसा लगा वो मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। अगर आपको इस फोन को लेना है तो मुझे जल्दी से कमेंट्स करना और बताना भाई कैसा लगा आपको मोबाइल, क्या अच्छा है या नहीं है। और जो मैंने बोला था भाई जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, अगर अभी तक लाइक नहीं किया वीडियोस को तो जल्दी से लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ भाई एक बार पार्टी कर लेना, किस लिए सब्सक्राइब करके और भाई ऑल नोटिफिकेशन को दबा देना। तब तक के लिए फिर मिलेंगे एक एक्साइटिंग वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।